अच्छे लाइंस मरियम नवाज के लिए, उनको मैं ये पैगाम पहुँचाना चाहूँगी। आ जाती है फलोड़ी नाक फुला के सामने खड़ी हो जाती है, अरे भाई उनको बोलो जाकर पहले अपने नाक की सर्जरी कराए, फिर जो है ना आए वजीर आजम बनने के लिए। आई बड़ी फलोड़ी नाक फुल्ली। वजीर आजम कौन बनने जा रहा है? एक ही तो है यार, बबर शेर नवाज शरीफ। इमरान खान ऑफ कोर्स। आपका वजीर आजम था जिसने कहा था, एक वर्ड यूज किया था, क्या? बेगर्स कांट बी चूजर्स। मेरा ख्याल तो नवाज शरीफ बनने जा रहे। तारे हुक्मरान आए चोर आए, सही है, किसी ने भी हमारे गरीब अवाम के लिए नहीं सोचा। अब आना चाहिए तो इमरान खान को आना चाहिए। अगर करप्ट लीडर है, सारे करप्ट लीडर है, एक ही खान है जो हमारे लिए कुछ कर सकता है, तो हम सब चाहते हैं कि इमरान फिर से आए और उसको फिर से वजीर आजम की सीट मिलनी चाहिए। यार ये चोरी चोरी छोड़ो यार, कोई मुल्क का सोचें बस यार। हम तो ये बोलते हैं, किसी को हमने देखा थोड़ी है चोरी करते हुए यार। जिसके पास अक्सरियत होगी वो तो आएगा यार। ईमानदारी से तो नहीं आ सकते, ईमानदारी से आएगा तो खान ही आएगा, खान है खान। अभी ये मुल्क के हालात देखो पहले, फिर अपन भी बात करें ना कि कौन आए। सब अपने लिए सोचते कि कोई भी 10 साल हो गए, कितने साल, 10 साल हो गए, कोई भी हमारे मुल्क के लिए गरीब आवाम के लिए किसी ने भी नहीं सोचा है। जाहिर है, लग तो ये रहा है कि नवाज बनेगा, मुस्लिम लीग नून से कोई बनेगा। ये हुकूमत ज़्यादा टाइम तक चलेगी नहीं, क्योंकि इसका वजह ये है कि आवाम का फोकस देखा जाता है, आवाम किस तरफ ज़्यादा जाती है, आवाम का रुझान जो है इमरान खान की तरफ है। भाई करना पड़ेगा, पाकिस्तान में कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप कबूल नहीं कर सकते, आपको कबूल करना पड़ेगा मेरे भाई। आप देख रहे हैं इलेक्शन के क्या हालत है और क्या हो गए तो इसमें कोई दूसरी राय है नहीं, इमरान खान ही बनेगा भाई। उसके पास सीटें ज़्यादा है ना, सीटों से बनेगा ना, सीटें ज़्यादा हैं, इमरान खान तो बनेगा। और राइट भी यही है कि होना भी उसी को चाहिए वज़ीर आज़म। यार वज़ीर आज़म कौन बनेगा ये तो अभी उनको भी नहीं पता, जो वज़ीर आज़म बनने वाले हैं कौन बनेगा, बात ये। और ये हमें भी नहीं पता, ये धांधली चल रही है, क्या चल रहा है, हमने तो वोट दिया भाई इमरान खान को। नहीं उसमें आप देखेंगे ना कि मेजॉरिटी कौन कर रही है, पार्टी मेजॉरिटी मुस्लिम लीग नून की पार्टी के साथ है और इंडिपेंडेंट भी उन्हीं को ज्वाइन कर रहे हैं, तो इस हिसाब से देखा जाए तो शहबाज शरीफ बेहतर मौजू हैं और एक्सपीरियंस भी रखते हैं। वज़ीर आज़म तो जिसको बनाना चाह रहे हैं वो आपको पता है कि किसको बनाना चाह रहे हैं, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान को बनना चाहिए। हम जो समझते हैं, जिसका हक है मतलब इलेक्शन के हिसाब से, अगर ये वही धांधली वाला सीन है तो फिर तो बना ले जिसको बनाना है, फिर इलेक्शन करवाए क्यों है आपने? आवाम ने वोट किसको दिया, अक्सरियत किसको दी? जो बात है ना, आवाम की मर्ज़ी तो नहीं चल रही है, मर्जी तो उनकी चल रही है जिन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है मुल्क पे। कितनी सीटें चोरी हो गई पीटीआई की? तकरीबन 50 से फॉर्म 45 के तहत 50 से ज़्यादा सीटें तो चोरी हो गई है, डाका डल गया है। आवाम ने तो मैंडेट इमरान खान को दिया है, पीटीआई को आना चाहिए। आवाम की बात की जाए तो ये हमें किसी सूरत ये चोर कबूल नहीं है। हमने जो पीटीआई को वोट दिया है ये देखें, हमें पीटीआई चाहिए। आवाम के लिए सबसे बेहतर एक ही ऑप्शन है, कैदी नंबर 804। ये जो मुल्क चलाने वाले हैं उनको सोचना चाहिए। मुल्क का बेड़ा गर्क किया हुआ है, 16 महीनों में पिछले बेड़ा गर्क कर दिया, अभी वापस उन्हीं को जमा कर रहे हैं। तो बकौले किसी के बागमती का कुंभा 2 बनने जा रहा है। हम निकालेंगे उन्हें जेल से, हम उनके सपोर्टर्स हैं, क्यों नहीं है? हमारे होते हुए इमरान खान जेल में नहीं रह सकता। वो जो लंदन से आया, बड़ी मेहनत कर कर आया पाकिस्तान, वो वही पक्का पक्का बनेगा, पूरे लोग उसी कोशिश कर रहे हैं। अगर नहीं बनेगा, पीपल पार्टी भी साथ है, एमक्यूएम साथ है, जिसके साथ खड़ी गुज जाएगी। यार मेरा जो इरादा है, जो आसिफ जरदारी साहब आपको पता है, वो बचपन से जो गेम खेलता आ रहा है, वो तो अपने बेटे को ही वजीर आजम बनाएगा। बिलावल भुट्टो, पहले उनको बोलें जाकर उर्दू तो सीख कर आए, उनकी तो कापे तो टांगेंगी ना अच्छे से। हाँ बनना नहीं चाहिए बिलावल साहब को, कोई सीनियर बंदा बने तो बेस्ट होगा। बिलावल भुट्टो यार क्या पता है उनके बारे में यार, क्या वजीर आजम किस तरह संभालेंगे, वो अपने आप को संभाल लें, बात अपने आप को संभाल लें। नहीं बिलावल तो उनकी इतनी सीटें नहीं ना, उनकी तो 50 सीटें 52 सीटें, नवाज शरीफ की तकरीबन 80 के करीब सीटें, तो ये मिलके हो सकता है इस बात पे फड्डा भी हो इनके आपस में कि भाई वजीर आजम हमारा, लेकिन मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ को बनना चाहिए। वो ख़रीदारी कर रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह ताला हम सब जितने भी आप लोग हम खड़े हैं ना, अगर हम अपना ईमान ना बेचें तो इंशाल्लाह इमरान खान का कोई आदमी आएगा। इसको रिजल्ट कहते हैं आप? ये तो आवाम की आंखों में धूल है, इससे बेहतर था पहले आप सिलेक्शन कर लेते,
आप वज़ीर आज़म, वो सदर और सबको बना देते आप ऐसे ही बैठ के बना दे, पीछे से लंदन से बना के ले आते।